शांति। सर्वप्रथम आज रावण की दहन क्रिया करने के निमित्त बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और बधाई हो। बधाई इसलिए कि रावण को मार करके और श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में फिर से वापस लौटे, तो इसीलिए पूरी नगरी ने बहुत ही उमंग और उत्साह से और हर्ष के साथ उत्सव मनाया और उस उत्सव को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दशहरा शब्द का संधि विच्छेद करें तो दशहरा यानी दस को मारा। दस क्या, तो रावण के दस शीश थे, ऐसे दस शीश वाले रावण को मारा गया, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। अच्छा, अभी आज हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा की 5, 10, 22 की मुरली, और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान सुनाते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा ये जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम दुरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दुरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर है, बाप की याद से दुरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दुरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मना भव का अर्थ है दुरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दुरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, दुरादेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। नंबर 2, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सबको दुबड़ यानी दल दल से निकालने की सेवा करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, सदा उमंग और उत्साह के पंख द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि उमंग और उत्साह ये आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। ये उमंग और उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश, उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन है, जो अशरीरी स्थिति के
अभ्यासी हैं, उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।